के बीच में रह करके और ज्ञान सरोवर में 7 वर्षों से अपने जीवन में समर्पित रूप से सेवाएं देते हुए भाई साहब के साथ देश विदेश की सेवाओं में आज तत्पर हैं। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय सेमिनारों में, सम्मेलनों में, कॉन्फ्रेंसेस में आप सक्रिय रूप से अपना योगदान दे रही हैं। तो ऐसी परम आदरणीय गीता बहन जी को हम सभी यहाँ पर सुनेंगे। तो अभी आप सभी जो हम आज ये वचन सुनने जा रहे हैं, इन्हें हमें आत्मसात करते रहना है। तो अभी फिर करतल ध्वनि से अपने प्यार को प्रदर्शित करेंगे। आज उनके लिए यही बार बार हमारे दिल से यही एक बात निकल रही है, फूलों सा चेहरा तेरा कलियों से मुस्कान है, फूलों सा चेहरा तेरा कलियों से मुस्कान है, रंग तेरा देखकर, मूरत तेरी देखकर वो कुदरत भी हैरान है। ऐसे शेरनी शक्ति, ऐसे वचनों को सुनकर के जो हमें अपने जीवन को परिवर्तन करने के लिए बार बार मजबूर बना दे, ऐसे वचनों को सुनकर के हम सभी यहाँ पर अपने को लाभान्वित करेंगे। तो परम आदरणीय गीता बहन जी, ओम शांति। सम्माननीय मंच, सभा में उपस्थित देव कुल की सभी सौभाग्यशाली महान आत्माओं, प्यारे भाइयों, माताओं और बहनों, बहुत ही सुंदर संध्या का वक्त है और जीवन परिवर्तित होने वाली सुंदर सुंदर बातों की रोशनी अभी यहाँ मिल रही है। बहुत सुंदर सुंदर बातें आप सुन रहे थे, लेकिन केवल सुनने से काम नहीं चलता। जो सुनकर अप्लाई कर लेते हैं जीवन में, उनके जीवन बदल जाते हैं, जीवन में चमत्कार होने लगते हैं, उनकी डगर सरल होने लगती है। तो जो कुछ सुनकर जा रहे हो उसे थोड़ा सा अपने जीवन में उतारना जरूर। मुझे याद आ रहा था पिछले साल 8 नवंबर की वो रात, जिस दिन हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक अनाउंसमेंट किया था। याद है सभी को कौन सा अनाउंसमेंट किया था? नोटबंदी। किस पर्पज को लेके हुआ था वो? काले धन को सफेद करने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि वो रात ऐसी थी कि भारत ही नहीं, पूरा विश्व नहीं सोया था उस दिन। जिसके पास 500 रुपए थे वो भी शायद नहीं सो पाया था, 500 रुपए के लिए भी चिंतित था उसका क्या होगा। हालांकि यहां की गवर्नमेंट ने तो हमें बहुत लंबा टाइम भी दिया था, कुछ मार्जिन भी दी थी। आज गहराई से हम सोचेंगे, ये तो यहां की गवर्नमेंट का एक अनाउंसमेंट था जो इतने दिन तक हलचल मच गई भारत में। जिस दिन ऊपर वाली गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट होगा, जिस दिन वो काले कर्मों का और सफेद कर्मों का हिसाब लेगा, उस दिन क्या होगा? यहां तो मार्जिन मिली थी, टाइम मिला था, लेकिन वहां एक सेकंड का टाइम नहीं मिलेगा, एक सेकंड का भी टाइम नहीं मिलेगा। इसीलिए आज की संध्या काल से हम ये अपने आप व्यक्तिगत रूप से प्रण लेंगे कि आज से मेरे कर्म सफेद होना शुरू हो जाएं, ताकि जब मैं ऊपर वाले के पास पहुंचूं तो सर झुका करके नहीं, बेचारों की तरह नहीं, लाचारों की तरह नहीं, मुजरिमों की तरह नहीं। जब ऊपर वाले के पास पहुंचूं तो ऊपर वाले को भी शान हो कि मेरा वस्त्रों में लाल आया है, कुछ करके आया है, निठल्ला या खाली हाथ नहीं आया है सृष्टि से,
भेजा था तो कुछ कमाई करके आया है। दुनिया में तो कहते हैं खाली हाथ आए खाली हाथ जाना है। ठीक है, ये धन संपत्ति हमारे साथ नहीं चलेगी, लेकिन जो धन संपत्ति हमारे साथ चलेगी और हमारे साथ जन्मों जन्मों तक रहेगी, वो भी कमाने का वक्त यही है। हम कुछ नेक कर्म किया करें, कुछ दुआएं प्राप्त किया करें, ये हमारी सबसे असली पूंजी है। नेक कर्म, अपने मन को जिस दिन हम सफेद बना लेंगे सारे भारतवासी, उसी दिन उसी क्षण हमारा भारत पुनः विश्व गुरु बन जाएगा। तो हमें अपने मन को सफेद बना करके पुण्य कर्म करने हैं, पाप कर्मों से बचना है। ये सृष्टि का विधान है, अटल और अटूट है कि यहां कर्म गति से कभी भी कोई भी नहीं बच सकता। हर एक व्यक्ति को अपने कर्म का परिणाम भोगना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। इसीलिए हम आज से ही अलर्ट हो जाएं, जो हो गया जाने अनजाने में, अभी भी मौका है, हम फॉरगिव फॉरगेट कर दे, क्षमा याचना मांग ले मनी मन, अपने भगवान के सामने बैठकर अपनी गलतियों को रियलाइज करके, जिनको भी हमारे से कष्ट पहुंचा हो, तकलीफ पहुंची हो, दुख पहुंचा हो, हम मन ही मन भगवान को साक्षी रखते हुए सच्चे हृदय से स्वेच्छा से सर झुकाकर क्षमा याचना कर ले। हे मनुष्यात्माओं, अगर मेरे से जरा भी तुम्हें कष्ट दुख पहुंचा हो तो मुझे माफ करो, क्षमा करो। और यदि मेरे को किसी ने कष्ट पहुंचाया हो इस जन्म में या पूर्व जन्मों में, तकलीफ दी हो, टॉर्चर किया हो, मेरा हक अधिकार छीना हो, मेरे साथ विश्वासघात किया हो, धोखा किया हो, मेरा सब छीन लिया हो, लूट लिया हो, तो बदले की आग में जलने से बेहतर है कि मैं चित्त को शांत करूं और बड़ा नेक काम करूं। ऐसी आत्माओं को भी अपने दिल से सच्चे मन से क्षमा कर दूं, माफ कर दूं, क्योंकि ये सृष्टि का नियम है, ये ब्रह्मांड का सिद्धांत है। आप जो दोगे वही मिलेगा। आप रात होने से पहले अपने गुनाहगारों को माफ कर दीजिए व्यक्तिगत रूप से, सुबह होने से पहले भगवान भी तुम्हें क्षमा कर देगा तुम्हारे गुनाहों में। जो दोगे वो प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अगर हम छोटी छोटी बात में अपने मन को क्रोधित रखेंगे, ईर्ष्या में जलते रहेंगे, नफरत में जलते रहेंगे, तो हम बहुत कुछ गवा देंगे, अपने चित्त की शांति गवा देंगे, अपने घर का सुख गवा देंगे, संबंधों का सुख गवा देंगे, अपनों को गवा देंगे। इसीलिए व्यक्तिगत तौर पे जो भारत के कानून है, रूल है, वो अपना काम करें, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से क्षमा करती हूं। मैं साध्वी प्रज्ञा का इंटरव्यू सुन रही थी, बहुत प्राउड फील हुआ मुझे उन पर। हम अहमदाबाद जा रहे थे, गाड़ी में थे तो इंटरव्यू लगा लिया, बड़ा दर्दनायक इंटरव्यू। जब सुना तो मेरी भी आंख से आंसू आ गए कि कितने हद तक लोग गिर सकते हैं। इतना टॉर्चर किया उसको कि आज वो अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती, जबकि अभी तक उसका गुनाह साबित नहीं हुआ। अगर 1% वो निर्दोष साबित हो गई तो क्या उसके शरीर को जो डैमेज किया गया है वो कोई दे सकता है, लौटा सकता है? इतना भयंकर टॉर्चर किया गया। एक टीवी चैनल के एंकर उनका इंटरव्यू ले रहे थे और उनसे पूछा, बहुत बड़ा इंटरव्यू उनका लिया, और लास्ट में पूछा कि अभी मैं आपसे एक जाते जाते प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जिसने आपकी ये हालत कर दी कि आप अपने पैरों पे खड़े नहीं हो सकते, आपके सर में इतना मार पड़ी कि ट्यूमर बन गया,
रीढ़ की हड्डी पे इतनी मार पड़ी कि चकनाचूर हो गई, अपाहिज हो गई। अगर आज मैं उन लोगों के बारे में आपसे पूछना चाहूं कि आप उनको क्या कहना चाहोगी, उनके लिए क्या बोलना चाहोगी, तो ऐसी बात बोली कि थोड़ी देर के लिए तो मैं भी सोच में पड़ गई और एक प्रेरणा ले गई। और ये ऐसे महान आत्माएं केवल भारत में ही पैदा हो सकते हैं, भारत की धरती के ही लाल हो सकते हैं। जो उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा जो भारत का कानून है वो अपना काम करेगा। लेकिन आज मैं आपके मंच से ये कह रही हूं कि जिन्होंने मेरे को इतना टॉर्चर किया, इतना तकलीफ दी, मैं व्यक्तिगत रूप से मैं उन्हें क्षमा करती हूं, माफ करती हूं। कितना बड़ा दिल, हम श्री कृष्ण को झूला झूलाते हैं, अपना इष्ट देव मानते हैं, बहुत प्यार करते हैं, उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। और बड़े गर्व की बात है कि यही उत्तर प्रदेश श्री कृष्ण की जन्मभूमि, श्री राम की जन्मभूमि रहा है। जिन्हें हम अपने रोल मॉडल मानते, अपने आदर्श मानते, अपने पूज्य मानते, अपने इष्ट मानते हैं, तो एक बार विचार कीजिएगा, अगर 100 भूले माफ करने की ताकत श्री कृष्ण में है तो 10 भूले तो मैं भी माफ कर सकती हूं। यस या नो? अगर वो 100 भूले माफ कर सकते हैं तो क्या मैं 10 भूले माफ नहीं कर सकती? अपने चित्त को शांत करने के लिए, मेरे चित्त की शांति बहुमूल्य है, बातें कोड़ी तुल्य है जिनकी कोई कीमत नहीं, जो केवल 10 मिनट में अपनी जगह रखते हैं। उन कोड़ी तुल्य बातों के कारण मैं अपनी बहुमूल्य शांति को, बहुमूल्य संबंधों को खराब ना करूं। मिर्जा गालिब ने बहुत सुंदर बात कही, इस तरह मैंने अपने जीवन को सुखी सरल बना लिया, किसी से माफी मांग ली, किसी को माफ कर दिया। अगर इस जीवन को इंजॉय करना है, इसका आनंद लेना है, तो आप तो देवों के वंशज हो। देवता ये क्षमा का गुण धारण करके रखते थे, ये दिव्य गुण है, इस गुण को हम भी धारण करें। दूसरी बात, पूंजी जमा करें। और इस सृष्टि का सबसे बड़ा पुण्य, तीनों लोकों का सबसे बड़ा महादान क्षमा दान है। इस पुण्य से हम शुरुआत करेंगे अपनी जीवन की, आज की शाम की, यही संकल्प करें। पूर्व जन्मों का तो मुझे पता नहीं मैं क्या क्या करती हुई आई हूं, लेकिन मुझे जब फॉरगेट करना है, क्षमा याचना या क्षमा दान करना है, तो इस जन्म से रिलेटेड आत्माओं से भी और जो पूर्व जन्मों से संबंधित हैं, जिनसे मेरे कड़े कार्मिक अकाउंट है, कड़े हिसाब किताब है, उन सब से क्षमा याचना करनी है, क्षमा दान करना है, ताकि वो भी हिसाब किताब का रूप ना बन सके। भीष्म पितामह काटो की सैया पर है, पूरा शरीर छलनी है। इस जन्म में उन्होंने धर्म के लिए बहुत कुछ किया, उन्हें याद नहीं आता कि मैंने कोई पाप किया इस जन्म में, केवल एक, कौरवों को साथ देने के अलावा। अब उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान है, इच्छा मृत्यु का वरदान होने के नाते आज वो देह त्यागना चाहते हैं, परंतु एक अपना प्रश्न श्री कृष्ण से पूछना चाहते हैं। वो कहते कि बताइए, ऐसी मैंने कौन सा पाप किया जो मुझे इतना लंबा समय इस काटों की सैया पर रहना पड़ा। श्री कृष्ण उनको पूर्व जन्मों में ले गए, सैकड़ों साल पहले की बात है। देखो तुम्हारा उनको दिव्य दृष्टि मिल गई थोड़े टाइम के लिए, और उन्होंने सैकड़ों साल पीछे जाके देखा कि मैं एक राजकुमार, यंग, शक्तिशाली, अपनी कुछ सेना की टुकड़ी के साथ शिकार खेलने जंगल में जा रहा हूं। अचानक रास्ते में एक नाग आया, अपने ताकत के बल पर उसकी पूंछ पकड़ी, घुमाया और उसे झाड़ियों में डाल दिया। असंख्य कांटे उस सांप के बदन में घुस गए, उसका परिणाम तुमने ये सैकड़ों साल के बाद आज भोगा है। कर्म गति से कोई बच नहीं सकता, कोई नहीं बच सकता। लेकिन हां,
इस कर्म गति को जो जाने अनजाने में मेरे से हो गया है, इन कार्मिक अकाउंट को, इन हिसाब किताब को, इन दुख रोग शोक को, हार पराजय को, असफलता को, मनमुटाव को हम खत्म कर सकते हैं क्षमा मांगकर। मुझे याद आ रहा था कि 15 अगस्त होता है, 26 जनवरी होती है, कुछ कैदी जिनमें बहुत परिवर्तन आ गया, कुछ उनके जो वहां के डिपार्टमेंट पुलिस होती वो भी कुछ सर्टिफिकेट देते, वो भी एप्लीकेशन राष्ट्रपति को लिखते हैं कि हमें माफ किया जाए, हमें अपनी गलती बहुत अच्छे से रियलाइज हो गई, हम जीवन में दोबारा इस तरह का काम नहीं करेंगे, क्षमा याचना का पत्र लिखते हैं। और राष्ट्रपति इन शुभ दिनों पर किसी किसी की क्षमा याचना स्वीकार कर लेते हैं, और जैसे ही क्षमा याचना स्वीकार होती है तो सजा खत्म। तो पता चला क्षमा क्या करता है, क्या करता है क्षमा, सजा खत्म। अभी आप यहां बैठे हैं, देखिए आपका बच्चा पीछे से कोई गलती कर दे, मिस्टेक कर दे, आपको फोन आ जाए कि जिस चीज के लिए आपने मना किया था बच्चे ने वही कर डाला, आपकी उग्रता 100% पे पहुंच गई, मन में तूफान चलने लगा, आज मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, आज तो उसको एक लगा के ही बात करूंगी, अच्छा उसको लेसन सिखाऊंगी, तूफान उग्रता 100% तेज कदमों से आप घर की तरफ जा रहे हो, और जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे तो उसी बच्चे ने दरवाजा खोला जिसने मिस्टेक की थी, लेकिन दरवाजा खोलते ही उसने कान पकड़कर बोल दिया, आई एम वेरी सॉरी, मुझे माफ कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मेरे से ये गलती हो गई। खुद प्रैक्टिकल बताइए कि ये क्षमा शब्द सुनकर जो 100% उग्रता थी वो थोड़ी डाउन होगी या नहीं, वो 100 से 90 पर 80 पर आएगी कि नहीं, जो हाथ उठना था वो हाथ रुका कि नहीं, चोट लगने से बच गया। तो ये जो क्षमा है ये बहुत ही काम का गुण है हमारे लिए, जीवन जीना सिखाता है, जीवन का सुख लेना सिखाता है, परंतु अफसोस की बड़ा भारी है ये गुण, कमजोर इसको धारण नहीं कर सकते, कमजोर लोग तो बदला लेने की सोचेंगे, टांग खींचने की सोचेंगे, इस गुण को शक्तिशाली व्यक्ति ही धारण कर सकते हैं। इसलिए जगह जगह लिखा रहता है क्षमा किसका आभूषण होता है, किसका आभूषण होता है क्षमा, कमजोरों का या वीरों का, वीरों का आभूषण होता है, क्योंकि शक्तिशाली आत्मा ही क्षमा कर सकती है, क्षमा मांग सकती है। तो आज से जो हो गया मेरे से गलती, अगर इस जीवन को सुखी रखना है, कर्म भोगों से बचना है, कष्टों से बचना है, तो मन ही मन क्षमा दान दीजिए, क्षमा मांग लीजिए। दूसरी बात, आज से अपने जीवन में कुछ नेक कर्म, कुछ पुण्य कर्म जरूर कीजिए, पाप ना हो मेरे से, ना मन से मैं बुरा सोच के पाप करूं, ना मुख से बुरा बोल के पाप करूं, ना कर्मों से पाप करूं, ना धन से पाप करूं, केवल मेरे द्वारा अब पुण्य ही हो, क्योंकि अब मोदी साहब नहीं, अब ऊपर वाला हिसाब किताब लेने वाला है। इसीलिए कर्मों को टोटली सफेद रखना है मुझे, एक भी कर्म मेरा काला ना हो जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। इस संसार की सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ी शक्ति, सबसे बड़ा बल वो है पुण्यों की पूंजी, दुआओं की दौलत। हर दिन इकट्ठी कीजिए इसको, हर दिन कमाइए, हर दिन सेविंग कीजिए इसकी, कोई दिन ऐसा ना जाए जो इसकी सेविंग ना हो। भरपूर कर ले हम अपने आप को इस धरती पर से जाने से पहले, भर कर जाए और इतना भर ले, इतना भर ले कि अगर जरूरत भी पड़े तो मुझे दोनों हाथों से दान भी करना पड़े तो मैं अपनी दुआएं और पुण्य दोनों हाथों से दान भी कर सकूं, इतनी बड़ी दाता बन जाऊं इस दौलत में। तो आज से हम दृढ़ संकल्प करेंगे कि कुछ भी पाप मेरे से ना हो, केवल पुण्य हो। हम सुनते रहते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के मंदिर के लिए बड़ी योजनाएं चल रही है,
वो तो बहुत अच्छी बात है, बनना ही चाहिए उनके जन्म स्थान पर, परंतु मैं एक बात और कहना चाहूंगी, यदि हम सब पहले राम बन जाए तो हर घर ही मंदिर बन जाए। पूछो दशहरा था, रावण मुस्कुरा करके प्रश्न पूछ रहा था कि तुम मुझे सदियों से जलाते आ रहे हो, ढोल धमाके के साथ जलाते हो, जलाइए शोक से जलाइए, परंतु आज मेरे प्रश्न का उत्तर दे देना, उसके बाद जलाना। उसने एक बहुत ही तीखा प्रश्न पूछा कि मुझे जलाने वालों, ये तो बता दो कि तुम्हारे में से राम कौन है। रावण को जलाने का हक किसको है? तो एक एक राम बनो, और फिर देखिए पूरा यूपी यदि राम के मंदिर से सुशोभित ना हो जाए, घर घर राम का मंदिर ना बन जाए, कोई नहीं रोक सकता, किसी की परमिशन भी नहीं चाहिए। लेकिन वो तब होगा जब मन सफेद होगा, जब कर्म सफेद होंगे, वो तब होगा। हम राम बनने का प्रयास करें, मंदिर तो खुद पे खुद बन जाएंगे, इतने बन जाएंगे जो गिनती भी राम राज बना देंगे। हम राम मंदिर की तो बात छोड़ो, राम राज ले आएंगे सृष्टि पर, केवल राम बनो। तो पुण्य कर्म कीजिए, ये पुण्य कर्म तब काम आते जब संसार का कोई भी पद, कोई भी सत्ता, कोई भी दौलत, कोई भी संपत्ति, कोई भी सगा संबंधी काम नहीं आता, तब ये पुण्य, ये दुआएं काम में आती हैं। बड़ी बड़ी आपते, मुसीबतें, लाइलाज, बीमारियां जब आ जाती है, जब संपत्ति धरी की धरी रह जाती है, जब पद पोजीशन धरे के धरे रह जाते हैं, तब ये पुण्य काम आते हैं हमारे। ये हमारे सबसे अच्छे दोस्त, सबसे अच्छे साथी बनते हैं। पीछे हम गुजरात में गए, एक एनआरआई भाई जो विदेश से भारत लौटा था भारतीय, बड़ा धन संपत्ति कमा करके आया। उसने आप बीती एक घटना मुझे सुनाई, और मुझे भी उस दिन लगा कि वास्तव में हमारे जीवन में पुण्यों पर, दुआओं का कितना भारी महत्व है। उसने कहा, बहन जी मैंने इतनी धन दौलत कमाई, कुछ ऐसे कमाई, कुछ वैसे कमाई। अब ऐसे कमाई वो तो ठीक है, लेकिन जो वैसे कमाई वो कैसे जाएगी? एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि जब हम अपने घर में धन लेकर आते तो केवल धन नहीं लेकर आते, दो चीजें साथ में लाते हैं, किसी की हाय भी लाते हैं, किसी की बददुआएं भी लाते हैं, तो किसी की दुआएं भी लाते हैं। मेरे घर में धन के साथ किसी की बददुआएं भी मेरे घर में प्रवेश हो जाती है, और किसी की दुआएं भी। तो धन के साथ साथ दुआएं भी कमाइए, बददुआ नहीं। मैं अपना हक का खाऊं, अपने अधिकार का खाऊं, दूसरे का हक छीन कर, अपने पद पोजीशन का भय दिखा कर, दूसरों के मुख का नेवाला छीन कर मैं अपने बच्चों को खिलाऊं, तो मेरे बच्चे भी कौन सी राह पर चलेंगे जो मैं सुनना भी पसंद नहीं कर सकती। इसीलिए कर्मों पर आज से हमें विशेष ध्यान देना है। मैं ईमानदारी की खाऊं, दो के बजाय एक खाऊं, महलों की बजाय भले झोपड़ी में रहूं, पर ईमानदारी की राह पर चलूं, ईमानदारी ना छोड़ूं अपने जीवन में। तो उसने कुछ ऐसे कमाया और कुछ वैसे, तो वो धन धरा का धरा रह गया, काम में नहीं आया। उसने कहा, बहन जी इतना धन कमा लिया कि मुझे भी नहीं पता कितना है। कहते हैं दो चीजें व्यक्ति के पास कभी इकट्ठी नहीं रहती, और जिसके पास रहती है वो करोड़ों में लाखों में एक होता है, समय और समझ। अक्सर करके हमारे पास समय बहुत होता है परंतु समझ नहीं होती, और जब समझ मिलती है तो समय मेरे हाथ से चला गया होता है। ऐसा ही उसके साथ हुआ। उसका एकमात्र बेटा 20 साल का, उसे न्यूज मिला कि ब्लड कैंसर हो गया। संध्या काल का वक्त है, दिल से भगवान से मैं ये गुजारिश करूंगी कि किसी भी माता पिता को ये दिन देखना ना पड़े। सबके बच्चे स्वस्थ रहे, सुखी रहे, निरोग रहे, सत्वर्ष आयु पाए।
लेकिन उस पिता को ये दिन देखना पड़ा, उसने भारत के बड़े बड़े स्पेशलिस्ट को अपने बच्चे को दिखाया, परंतु तू लेट हो गया था, चौथी स्टेज पर पहुंच गया था, सबने हाथ खड़े कर दिए। इकलौते बेटे को लेकर वो अमेरिका जाता है, विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर को दिखाता है, वो विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर भी उसकी रिपोर्ट को रीड करता है और सर झुकाकर कहता है, आई एम वेरी सॉरी टू लेट, बहुत देर हो गई है। अब वो एनआरआई भाई ने जो बताया वो ये बताया कि उस समय मैं क्या करता, मैं घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया, मैंने डॉक्टर के पांव पकड़ लिए, उसको हिलाने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, डॉक्टर साहब कुछ भी करो, मेरी सारी धन संपत्ति ले लो, प्रॉपर्टी ले लो, सब कुछ ले लो, कुछ भी करो, पर मेरे बच्चे को बचा दो। तब डॉक्टर ने कहा, देखो भाई साहब, मेडिकल साइंस यहां आकर फेल है, कुछ नहीं कर सकती यहां मेडिकल साइंस। हां, अगर तेरे बेटे के जीवन में अब कोई चमत्कार कर सकता है तो वो केवल ऊपर वाला है जो अब भी चमत्कार कर सकता है, मेडिकल साइंस का भी हाथ ऊपर गया। फिर उसने कहा, भैया अब तो केवल दुआएं बचा सकती हैं, केवल दुआ। और तीसरा बोला कि तुम्हारे इसके कर्म। जब उसका तीसरा नेत्र खुला तो समय हाथ से निकल चुका था, समझ देरी से आई। आज तीसरा नेत्र खुला, आज वो यथार्थ देख रहा है कि मैं काहे का साहूकार, मेरे जैसा कंगाल तो कोई भी नहीं है, भगवान ऊपर वाला, उससे भी मेरा कभी पाला पड़ेगा, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। अब उससे मदद मांगू तो किस मुंह से मांगू, दुआएं वो तो कभी ली भी नहीं है। काश उसने भगवान का ध्यान किया होता कुछ क्षण, तो आज भगवान भी उसका ध्यान रख रहा होता, लेकिन उसने कभी भगवान का ध्यान नहीं किया, ना कभी दुआ दी और ना कभी दुआ लेने की कोशिश की। कर्मों का तो ज्ञान ही नहीं कि कुछ पाप पुण्य भी होते हैं क्या। लेकिन जिस पर ध्यान दिया, जिसे ना दिन देखा ना रात, ना पाप देखा ना पुण्य, ना अपना देखा ना पराया, कमाता चला गया कमाता, आज वो है तो सही पर देखिए कैसी बेवफा बनी है, परंतु काम में नहीं आ रही। सब कुछ है, पद पोजीशन भी है, धन संपत्ति भी है, बड़े बड़े सोर्स भी है, परंतु सब धरे के धरे। और जो आज काम में आना चाहिए, जिसकी आसक्त जरूरत है, उसमें उसका बैंक बैलेंस बिल्कुल जीरो है, निल। और जो बैंक बैलेंस भरे हुए वो काम में नहीं आ रहे, ऐसी बेवफा बनी। आज दौलत है तो, परंतु मुस्कुरा रही है, काम में नहीं आ रही। इसीलिए जहां ये धन मेरी आवश्यकताओं को पूरा करता है, वही पुण्य की कमाई भी मेरे जीवन में बहुत जरूरी है, वहां दुआएं भी बहुत जरूरी है। अब ये नहीं कि बहन जी मेरे सर पे हाथ रख दो दुआ दे दो, भाई जी मेरे सर पे हाथ रख दो दुआ दे दो। ये दुनिया की सबसे कीमती दौलत है, फोकट में नहीं मिलती किसी को, ये फोकट में नहीं मिलेगी। और मांगने वाले को कितना मिलता है, भिखारी से तो पाले पड़े हैं ना सबके, पहली बात तो देना ही नहीं चाहेंगे, देखेंगे ही नहीं उसकी तरफ, और यदि पीछा छुड़ाने के लिए देंगे भी तो जेब में 2000 रुपए पड़े हैं उनको नहीं छुएंगे। जो सबसे छोटा सिक्का पड़ा है ना वो निकाल के देंगे। मांगने वाले को इतना ही मिलता है, इससे ज्यादा। अभी आपके घर पे यदि कोई भिखारी आ जाए तो चार बोले चावल के पड़े हैं, आटा पड़ा है, अनाज दाल सब पड़े हैं, लेकिन अपने दरवाजे पर आए भिखारी को एक मुट्ठी चावल या एक मुट्ठी आटा ही देके टरका देंगे, पूरा बोरा कोई नहीं देगा। तो मांगने वाले को इतना ही मिलता है, और मेरा मांगने से अब गुजारा होता नहीं। क्यों ना मेरी सोच ऐसी हो, मेरा व्यवहार ऐसा हो, मेरे कर्म ऐसे हो, मेरी बोल ऐसी हो कि देने वाला स्वेच्छा से दे, और जब दे तो छप्पर फाड़ कर देने के लिए मजबूर हो जाए। इस तरह से दे, कब तक मांगूंगी मैं,
हैं। दो दो दानों से तो मेरा गुजारा नहीं होता। अपनी सोच को बदलिए, अपने बोल बदलिए, अपने कर्म बदलिए, अपने व्यवहार बदलिए और ऊपर वाले को विवश कर दीजिए कि वो आसमान फाड़ कर आपके भंडारे भरपूर करे। इस तरह से अपने जीवन को बनाइए। भाई जी कह रहे थे कि सोच के ऊपर, संकल्प के ऊपर माताओं को कुछ बोलेंगे। आज मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी सिंपल शब्दों में। हम जो कुछ भी सोचते हैं, विचार करते हैं